नमस्कार, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं सुरेंद्र खन्ना जी, जो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी हैं। खन्ना साहब, आपका स्वागत है। शुक्रिया। सेमीफाइनल का मैच वर्ल्ड कप का होने जा रहा है बॉम्बे में, वानखेड़े स्टेडियम में। जी, क्या लगता है आपको, क्या होगा? देखो, ज्योतिषी तो नहीं हूँ, बट जो दोनों टीमों की फॉर्म देखी है इस टूर्नामेंट में और इतिहास जो है न्यूजीलैंड का, वो लास्ट के दो वर्ल्ड कप जो हुए हैं फाइनल खेले उन्होंने, भारत ने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है अभी तक और अपने सारे मुकाबले जीते हैं, कन्विंसिंगली जीते हैं, और भारतीय टीम भारत में फेवरेट मानी जाती है। बट ये नॉकआउट मुकाबला है, तो उस दिन हम किस तरह खेलते हैं उस पर निर्भर करेगा। आज से पहले जो है वो रिकॉर्ड बुक्स में है, हिस्ट्री में है। उस दिन तय होगी हिस्ट्री कि हम फाइनल खेलेंगे या कौन सी टीम खेलेगी, बट मैं उनको फेवरेट मान के चल रहा हूँ। ऐसा भी कहते हैं कि नॉकआउट जो मुकाबले होते हैं भारत के लिए बहुत प्रेशर होता है उनके ऊपर, अक्सर जो पुराने मुकाबले हैं देखे हैं उसमें प्रेशर बहुत होता है, वो प्रेशर अंडर प्रेशर आ जाते हैं अक्सर। तो देखो, क्या करें, प्रेशर तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलोगे तो प्रेशर तो है ही। ये कहना कि नॉकआउट में ज़्यादा होता है और पहले कम होता है, ऐसा नहीं होता है। व्हेन यू आर प्लेइंग फॉर द कंट्री और फॉर योर स्टेट, तो आपको जो है थोड़ा प्रेशर तो होता है, और जिस खिलाड़ी को प्रेशर नहीं होता है मेरा ख्याल वो सीरियस नहीं है। मुझे याद है ओलंपिक चैम्पियन जो है 100 मीटर्स के, उनसे बातचीत हो रही थी, तीन ओलंपिक जीतने के बाद भी, मेडल जीतने के बाद भी उनसे जब बात हुई, वो कहते आज भी जब मैं ट्रैक पे आती हूँ तो मेरे को लगता है जैसे कि मैं पता नहीं आज क्या होगा मेरे साथ। तो व्हेन यू हैव दैट काइंड ऑफ फीलिंग, विराट कोहली है जैसे, उसका आप वर्क कल्चर देखो, रोहित शर्मा ही मेक्स बैटिंग लुक ईजी, यू नो, जब वो खेलता है। ऐसे न्यूजीलैंड में विलियमसन है, एक फ्रेज है, लेट योर वर्क मेक द नॉइज, तो न्यूजीलैंड टीम वो है। हमारे खिलाड़ियों की चर्चा ज़्यादा होती है, उनकी कम होती है, बट उनका काम जो है किसी से कम नहीं है। बहुत डिसिप्लिन है, बहुत प्लानिंग के साथ खेलते हैं और बड़ी बात नहीं करते हैं, तो उनका काम बोलता है। तो मुकाबला टक्कर का है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो नर्व्स पे कंट्रोल रखेगा बड़े मैच में, आमतौर पर हम ये कहते हैं। जो इंडियन टीम का अभी तक का खेल रहा है इस वर्ल्ड कप में, बहुत संजीदा तरीके से और बहुत ही कंट्रोल करके गेम को, बहुत ही स्ट्रैटेजी के साथ और उस पर खेल पर काबू करके खेले हैं। लेकिन ये जो नॉकआउट मुकाबला है, इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो मुंबई की पिच है वानखेड़े की, वो रेड सॉइल है और उस पर बॉल अच्छा खासा बाउंस मिलता है, बैट के लिए अच्छा खासा बाउंस मिलता है, और चार मुकाबलों में से तीन मुकाबलों में वो टीम जीती है जिसने पहले टॉस जीतकर पहले खेला है, और कहते हैं कि उसी के लिए कहते हैं शायद विन द टॉस एंड विन द गेम। तो क्या ये सही है सेमीफाइनल को देखें? देखो, दिल्ली में बैठ के मुंबई की बात करना कि वहाँ ग्राउंड कंडीशन शाम को ड्यू पड़ती है नहीं पड़ती है, कई फैक्टर्स होते हैं। रोहित शर्मा बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, वो अपने कंट्रोल में रहते हैं, बहुत रेयर होगा कि अगर आप फील्ड पे आप देखें कि उनको वो अपसेट हों या किसी चीज़ पे, तो बहुत शांत स्वभाव के हैं, और जब कप्तान फॉर्म में होता है तो अपने खिलाड़ियों से भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकालने में कामयाब होता है, और अनुभव बहुत है। उन्होंने IPL मुंबई को 3-4 बारी जितवाया, मैं समझता हूँ कि वो अनुभव, और मुंबई के हैं, अपने घर में खेल रहे हैं। हमारी टीम में 4-5 खिलाड़ी हैं जो मुंबई से हैं, तो वो कंडीशन से वाकिफ़ हैं। वैसे तो जितनी भी टीमें हैं एक नेदरलैंड्स को छोड़ के इस वर्ल्ड कप में, ICC और BCCI के जो दिमाग लगे वो उन्हीं ग्राउंडों में ज़्यादातर मैच हो रहे हैं जहाँ पे हमारी IPL फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है। अगर आप ऑब्जर्व करें, नेदरलैंड्स की टीम के खिलाड़ी IPL में आते नहीं हैं, तो किसी को अनड्यू एडवांटेज नहीं है, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। अब विकेट कैसे होल्ड करती है, क्योंकि वहाँ गर्मी और ह्यूमिडिटी बहुत है, फिटनेस लेवल अगर आप देखें, जैसे उस दिन अफगानिस्तान के ऊपर एक खिलाड़ी पागल हो गया, मैक्सवेल, अकेले ही 200 मार दिए, 7 आउट हो चुके थे, कोई सोच नहीं सकता था, क्रैम्प्स आ रहे थे, बिकॉज सॉल्ट लॉस होता है, वाटर लॉस होता है आपकी बॉडी में। तो भारतीय खिलाड़ी जो है, मुंबई के 5-6 प्लेयर जो है वो जानते हैं वहाँ कैसी है। विराट कोहली मेरा ख्याल पिछले 10-15 साल से मुंबई में रह रहा है, तो वो भी जानता है, सभी खिलाड़ी कंडीशंस को जानते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ज़्यादातर IPL में खेलते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 महीने, बहुत लंबे समय से खेल रहे हैं, सो दे आर ऑल वर्स्ट, वेल वर्स्ट विद, और आजकल जितने ट्रेनर्स सपोर्ट स्टाफ टीमों के साथ रहता है वो इनको फिट रखते हैं। तो मेरे ख्याल जो है उस तरफ से कोई चिंता नहीं होगी, और ये सेमीफाइनल मुकाबला न्यूट्रल, इसमें जो है क्यूरेटर जो है
आईसीसी की कंट्रोल में है, तो अच्छा ही विकेट और अच्छा ही मैच देखने को मिलेगा। इनके सर अगर टॉस हारते हैं और पहले बैटिंग बॉलिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या इस पे वो तो हम पर भी लागू होगा कि जब अंडर द लाइट जब बॉल हिलेगी घूमेगी तो वो तो बाद में हम बैटिंग करने आएंगे तो हमें भी, तो क्या ये सब टीमें तो इसके लिए तैयार रहती हैं, हम कभी भी खेलें आगे या पीछे, लेकिन इसका भारतीय टीम की जो संरचना है उसको देखते हुए आपको लगता है कि वो हैंडल कर सकेंगे अच्छी? देखो हमारे पास रविंद्र जडेजा 7 नंबर पे आता है जो बल्लेबाजी भी शानदार करता है, गेंदबाजी तो करता ही है, फील्डर भी आउटस्टैंडिंग है, तो मेरा ख्याल 8-9 नंबर तक हमारे जो खिलाड़ी हैं वो बल्लेबाजी भी करते हैं, बट उनका नंबर ना आए कि ऊपर के बल्लेबाजी 50 ओवर खेलें ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेन बैट्समैन। तो राहुल भी है हमारे पास, रोहित भी है, विराट कोहली भी है, सूर्य यादव भी है, तो बल्लेबाजों की कोई कमी नहीं है, ये है अपने पोटेंशियल पे खेलें। और मेरे ख्याल से एज अ क्रिकेटर आई वुड लाइक अ गुड सेमीफाइनल्स, बट एज एन इंडियन आई वुड लाइक इंडिया टू विन एंड प्ले द फाइनल्स। और जहाँ तक टॉस का सवाल है, हम चेज भी अच्छा करते हैं, विराट कोहली मास्टर है उसका, हमारे और खिलाड़ी जो है हमने जब चेज किया है तो मैच फिनिश बहुत अच्छे किए हैं हमने, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हो या और मैचेस में हो, पहले बैटिंग की है तो बड़े स्कोर लगाए हैं हमने, पाकिस्तान पे हमने चेज किया था तो कंट्रोल में थे हमारे खिलाड़ी जो है बल्लेबाज जो है, तो मैं समझता हूँ कि पूरी तरह कप्तान जब फॉर्म में होता है वो उसका कंट्रोल परफॉर्मेंस कराने का बहुत बेहतर होता है। अगर उसकी अपनी फॉर्म ख़राब हो, जैसे बाबर आजम, टीम अच्छा नहीं कर रही, प्रेशर उसकी बैटिंग पे भी आ गया, अब रोहित जो है बल्लेबाजी अच्छी कर रहा है तो सबसे परफॉर्मेंस भी निकलवा रहा है, यू नो खुद परफॉर्म करेंगे तो इट बिकम्स वेरी इजी, यू नो। सर आप तो विकेट कीपर रहे हैं बड़े मशहूर, और हम ये जानना चाहते हैं कि बतौर विकेट कीपर आप गेंद को सबसे अच्छी तरीके से पढ़ सकते होंगे, हम ये जानना चाहते हैं अभी इंडियन बॉलिंग साइड अचानक जो तेजी आई है, जो स्ट्रेटेजिकली वो इतना उनकी धार मजबूत हुई है, ये इस पर क्या कहेंगे आप? ये हमारे लिए तो अभूतपूर्व है। देखो अगर आप पिछले 2 साल से देखें, मोहम्मद सिराज हमारी गेंदबाजी में, अनुभव अगर देखें शमी का और स्पिनर्स हमारे देखें, तो दे हैव बीन डूइंग कंसिस्टेंटली वेल। बुमराह इंजरी प्रोन है, जब तक वो नहीं था, बुमराह के वापस आने से जिस गति पे वो अंदर बाहर करा रहा है गेंद, मेरा ख्याल इस टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड के सीमर्स हैं बोल्ट और हेनरी जिन्होंने उस तरह की गेंदबाजी शुरू में जो है विकेट निकाल के दिखाए हैं। बुमराह के आ जाने से जो है हमारी बॉलिंग जो है वो बहुत ही बेहतरीन लग रही है, तो मैं समझता हूँ कि उनका पहला स्पेल जो होता है, पहले 10 ओवर जिसमें आमतौर पर ऑपोजिशन जो है बड़ा स्कोर खड़ा करती है कि हम वो जो फील्ड रेस्ट्रिक्शन का फ़ायदा उठाएं, उसमें बुमराह जो है अंकुश लगाने में कामयाब होते हैं, भारतीय गेंदबाज का उसमें अंकुश, और हमारी फील्डिंग भी इस टूर्नामेंट में अगर देखें बाय एंड लार्ज तुलना करें जो बेस्ट टीम्स हैं तो हमारी फील्डिंग भी बहुत अच्छी रही है, और जब फील्डर सपोर्ट करते हैं कि आप हाफ चांसेस को कन्वर्ट कर लेते हैं तो फिर जो है आपकी टीम की गेंदबाजी की धार बहुत अच्छी नज़र आती है। सेम चीज़ जो है उनकी भी गेंदबाजी जो है शुरू में बोल्ट जो है एक एक गेंद पे उसने जो है जो इन स्विंग कराता है और बाहर निकालता है, उनके पास वो नैक है विकेट लेने का, और हेनरी भी बहुत अच्छी गेंदबाजी, अब सऊदी भी वापस आ गए हैं, सबसे अनुभवी उनके गेंदबाज, सेंटनर उनके अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, अगर सोडी को खिलाते हैं विकेट पर निर्भर करेगा, बट भारतीय टीम का बैलेंस जो है और न्यूजीलैंड का वो मुकाबले का है, तो उस दिन पे कौन बढ़िया नर्व्स पे कंट्रोल रख के खेलता है विजय उसे मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि इंडिया जीते। अच्छा सर आप मानते हैं वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से भी ये संभव हुआ है कि शमी आ गए, कुछ दिन नहीं खेले, फिर आ गए और बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद बुमराह इंजरी के बाद आए 1 साल बाद करीब, लेकिन बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, क्या वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से भी है, अच्छी तरह से मैनेज किया इसको? उसकी चर्चा नहीं करें तो अच्छा, वर्कलोड मैनेजमेंट हो तो इंजरी क्यों हो रही है? इट्स वेरी सिंपल, वो तो इंजरी है लेकिन बहुत सारे खिलाड़ी मतलब देखो बेंच स्ट्रेंथ आपकी अच्छी हो तो बेंच स्ट्रेंथ में नया खिलाड़ी तो मुझे नजर नहीं आया, सारे पुराने खेल रहे हैं, नया अगर कोई जायसवाल आता या गायकवाड आता तब हम कहते नया है। हाँ तो इसलिए जो है उन चीज़ों को यहाँ पे ना करें बात, यहाँ बात करें भारतीय टीम जीते, इसकी कभी और बातचीत करेंगे इस मुद्दे पे। आप वैसे तो आपने कहा आप ज्योतिषी नहीं है बट यू विश टू दैट इंडिया विंस। या डेफिनेटली, व्हाई नॉट, वी आर प्लेइंग वेल इन द टूर्नामेंट,
देखो अगर अच्छा ना खेल रहे होते तो हो सकता है मेरे अल्फाज डिफरेंट होते, मैं कोई कैमरे के ऊपर कोई नंबर बढ़ाने के लिए या ना आप पैसे दे रहे हो मेरे को। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने मेरे से रिक्वेस्ट की, मैं आपसे बातचीत करने को तैयार हो गया। विराट कोहली एज अ प्लेयर, आप मतलब वैसे 35 के हो चुके हैं, कितना क्रिकेट और बचा हुआ देखते हैं? फिटनेस तो बहुत ही कमाल की है उनकी। देखो मेरे हिसाब से एज इज ओनली अ नंबर, अगर आप में वो हंगर है टू गो इन एंड परफॉर्म एवरी डे एंड टू प्ले एंड स्कोर बिग, वो जब तक आप में वो हंगर है वो बॉडी लैंग्वेज बता देती है। और बड़े प्लेयर जो है वो तय करते हैं कि उन्होंने कब जाना है, आप और हम उस पर चर्चा नहीं कर सकते। एज लॉन्ग एज ही इज इंजॉइंग, ही इज सर्विंग द टीम वेल, मेरे ख्याल उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती। ये 3-4 बैट्समैन हैं, विलियमसन, स्मिथ, विराट कोहली एंड जो रूट, जब ये जाएंगे तो ऐसा वैक्यूम आएगा, क्योंकि ये टेक्निकली अच्छे हैं और इनकी लॉन्गेविटी भी कमाल की है। और चारों बैट्समैन अगर देखें उनके शतक अगर मिलाएंगे तो मेरे ख्याल 100, 125, 150 के करीब हो जाएंगे, तो पीपल एंड क्रिकेट विल मिस इट। विराट कोहली की जगह आपको लगता है कि लेने को कोई तैयार है, यंगस्टर कोई? देखो जब नेहरू जी थे प्रधानमंत्री तो हम सोचते थे उनके बाद कौन, तो देश तो चल रहा है। गावस्कर साहब, गुंडप्पा विश्वनाथ के बाद कौन, फिर और बैट्समैन आ गए, फिर गांगुली कप्तान आए, कपिल देव ने पूरे वर्ल्ड को जो है चमका दिया, कपिल देव जैसा कप्तान और ऑलराउंडर मेरा ख्याल कहीं इस सदी में क्या हजारों साल तक नहीं होगा इतना बड़ा। तो ये हर इरा में, फिर सचिन तेंदुलकर आए, अब विराट कोहली उनके रिकॉर्ड बीट कर रहे हैं, तो रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। तो हर इरा में ग्रेट आते रहते हैं, और जिस तरह से अब ये IPL ने इस गेम को बड़ा कर दिया है, खिलाड़ियों की अगर आप देखें अब वो 42-44 साल तक भी खेल रहे हैं, धोनी खेला ये, तो मेरे ख्याल से। और बड़े प्लेयरों की रिप्लेसमेंट नहीं होती है, ये वर्ड ठीक नहीं होगा, यू नो हम कहें जो 20 साल जिसने 20 साल जो खेला है और हम कह रहे हैं ये उसे रिप्लेस कर रहा है, आई थिंक दैट्स नॉट द राइट वर्ड। ये ग्रेट हैं, ये 100-200 साल में जो है स्पेशल हैं ये। चलिए सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया अपना कीमती, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और हमारे सारे ETV के व्यूअर्स को दिवाली, भाई दूज और फेस्टिवल्स की, आगे आने वाला क्रिसमस एंड न्यू ईयर, जितने भी त्यौहार हैं सबकी मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से बधाई। आपकी ज़िंदगी में शायद घुले, आपकी मन चाही मुरादें पूरी हों, जिसमें भारत फाइनल भी जीते, वर्ल्ड कप जीते।